अपन भूल गए। अच्छे काम करके सोचे साले बाप इनके धुल गए, बाप इनके भूल गए पर बेटा नाराज है। बाप ना मारे मेंढ की और बेटा तीरंदाज है। मैं पागल सा रैपर हूँ, ये बात सबको पता है। मैं पागल सा रैपर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में रैपिंग में एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले और लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमिवे बंटाई के बारे में। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, एमिवे बंटाई ने अपने रैप सॉन्ग से पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री हिलाकर रख दिया है। लोग मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए और मनोरंजन के लिए एमिवे के सॉन्ग्स ही सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए एमिवे बंटाई के बारे में शुरू से बात करते हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिलर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर। एमिवे बंटाई का रियल नेम शाहरुख शेख है। शाहरुख शेख मतलब एमिवे बंटाई का जन्म 13 नवंबर 1995 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एमिवे ने अपनी स्कूली पढ़ाई लक्ष्य धाम हाई स्कूल मुंबई से की। एमिवे बचपन से ही एक अच्छे और शांत स्वभाव के बच्चे थे। वो पढ़ने में भी अच्छे थे और अपने पेरेंट्स के लिए भी अच्छे थे। वो स्कूल में अक्सर टॉप किया करते थे। उस टाइम इंडिया में कोई रैप के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं था, तो एमिवे भी उस टाइम इस इंडस्ट्री से अनजान थे। लेकिन साल 2010 में उन्हें अपने दोस्तों द्वारा रैप सॉन्ग के बारे में सुनने को मिला। रैपिंग के बारे में काफी कुछ सुनने के बाद ही एमिवे को रैपिंग में इंटरेस्ट आने लगा। एमिवे ने भी रैप सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिया। उन्हें सबसे अच्छे रैप्स एमिनेम के लगे। वो एमिनेम को अपना इंस्पिरेशन मानने लगे और यहीं से एमिवे ने तय कर लिया कि वो रैपिंग इंडस्ट्री में करियर बनाएंगे। एमिनेम के एक रैप नॉट अफेयर्ड को याद करके जब एमिवे ने अपने दोस्तों को सुनाया तो उनके दोस्तों ने एमिवे की बहुत तारीफ की और बोला कि तुम में टैलेंट है, तुम कुछ कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। इसके बाद एमिवे रैपिंग में करियर बनाने के लिए काम करने लगे। वो रात रात भर जागकर सॉन्ग लिखते और कई कई बार वो अपनी रात भर की मेहनत जो उन्होंने लिखी थी उसे फाड़कर रिजेक्ट कर देते थे। इसी दौरान उनके 12th का एग्जाम आया, पर रैपिंग के चक्कर में वो बिल्कुल भूल गए थे कि उन्हें पढ़ाई भी करनी है, इसलिए वो 12th क्लास में फेल हो गए। अपने बेटे को रैपिंग के लिए पागल सा होता देख उनके पापा ने बोला कि बेटा, संगीत की दुनिया में वो ही नाम कमा पाते हैं जिन्होंने बचपन से संगीत सीखा होता है, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है। अपने पापा की ये बात सुनकर भी एमिवे को कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं आई, उल्टा एमिवे ने अपने पापा को समझाया कि मैं कर सकता हूँ। अपने बेटे की रैपिंग के प्रति पागलपन और लगन देखकर एमिवे के पापा भी उनका साथ देने को तैयार हो गए। एक दिन एमिवे ने अपना लिखा सॉन्ग अपने पापा को सुनाया। क्योंकि ये सॉन्ग इंग्लिश में था तो उनके पापा को ज़्यादा सॉन्ग समझ नहीं आया। गाना सुन के उनके पापा ने बोला, सॉन्ग तो ठीक है पर क्यों ना इसे उस भाषा में बनाया जाए जो यहाँ की पब्लिक समझ सके। अपने पापा की बात उन्हें समझ में आ गई और फिर उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रैप्स लिखना शुरू कर दिया। एमिवे ने अपना फर्स्ट सॉन्ग यूट्यूब पर मार्च 2014 में रिलीज किया था, जिसका टाइटल था और बंटाई। ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा था और उस पर रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक आया, लेकिन इसके बाद उनके बहुत से सॉन्ग ऐसे थे जिनमें व्यूज ही नहीं आ रहे थे। लेकिन एमिवे ने कभी हार नहीं मानी और अपना खर्चा चलाने के लिए एक कैफे में एज ए लेबर काम करने लगे। उस कैफे में उन्हें एक दिन के 300 रुपए मिलते थे। बहुत साल ऐसा ही चला, एमिवे रैप सॉन्ग बनाते पर उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। काफी लंबे टाइम किसी के साथ ऐसा हो तो वो हिम्मत हार ही जाएगा, लेकिन इस बंदे में हिम्मत ऐसी थी जैसे कि माउंटेन मैन माजी में। 2-3 साल निकलने के बाद 2017 में एमिवे को उनके सॉन्ग से पहचान मिलने लगी। लेकिन एक्सट्रीम सक्सेस तो उन्हें तब मिली जब उनका रफ्तार, जो कि एक काफी फेमस रैपर हैं, उनके साथ सीन हो गया।
उस टाइम एमवीए के यूट्यूब चैनल पर लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो ड्रामा तब स्टार्ट हुआ जब रफ्तार ने राज जॉन्स चैनल में एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एमवीए के बारे में बोले। रफ्तार ने कहा था कि एमवीए अपनी तरफ से लगा हुआ है लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहा। तो ये बात रफ्तार की एमवीए को बहुत इंसल्टिंग लगी। तो एमवीए ने रफ्तार के अगेंस्ट एक डिस्ट्रैक निकाला। मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या, हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या, एमवीए कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या। इस डिस का रफ्तार ने भी रिप्लाई दिया। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी और चली, फिर क्लोज हो गई। यहाँ से एमवीए के यूट्यूब चैनल को बूस्ट मिल गया। इसके बाद उनका एक सॉन्ग आया था मचाएंगे, उसने तो एमवीए को साथ में आसमान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर तो एमवीए जो भी रैप सॉन्ग रिलीज करते तो वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में तो जाता ही, साथ ही यूट्यूब के व्यूज काउंटर को भी हैंग कर देता। तो फ्रेंड्स, अब चलिए एमवीए वनटाई के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एमवीए जब छोटे थे, मतलब 4th-5th स्टैंडर्ड में, तब उनका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। एमवीए के बचपन का नाम बिलाल शेख भी था। एमवीए ने अपना नाम अपने 2 फेवरेट रैपर से इंस्पायर होकर रखा है, एमी जो कि एमिनेम से और वे जो कि लेल वेन से, और बनटाई का मतलब मुंबई की लोकल भाषा में भाई को बोलते हैं। एमवीए बचपन में बहुत शर्मीले थे, उन्हें माइक पर बोलना नहीं आता था। एक बार वो स्कूल में स्टेज पर शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहन कर गए और माय नेम इज बोलकर रोने लगे। पर रैपर बनने के लिए उन्होंने मेहनत करी और अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि वो कहीं भी आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। एमवीए के पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी, इसलिए उनके पापा मुस्लिम हैं और माँ हिंदू हैं। बात करें एमवीए की रिलेशनशिप की तो एक मॉडल मुक्ता उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, पर किन्हीं पर्सनल रीजन की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक इंटरव्यू में मुक्ता ने बोला था कि एमवीए उनके लिए ख़त्म हो चुका है। एमवीए ने जब रैपर बनने की इच्छा अपने पेरेंट्स से जाहिर की थी तो उनके पेरेंट्स ने बोला था कि तुम्हें म्यूजिक की समझ नहीं है। तो म्यूजिक सीखने के लिए उन्होंने एक टीचर को पूरी फीस दे दी थी, लेकिन वो टीचर 2 दिन ही सिखाकर पूरे महीने की फीस लेकर गायब हो गया। ये बात एमवीए ने अपने घर पर नहीं बताई और उन्होंने म्यूजिक सीखना यूट्यूब से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने म्यूजिक यूट्यूब से ही सीखा है। एमवीए पहले सिर्फ इंग्लिश में रैप इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रैप सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उनके पापा के बोलने पर उन्होंने हिंदी में रैप करना सीखा। एमवीए का पहला हिट सॉन्ग और बनटाई ने अब तक 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। एमवीए चाहते थे कि उनका ये सॉन्ग टीवी पर आए और उसके लिए वो 2 दिन एमटीवी के ऑफिस के बाहर खड़े रहे, पर उन्हें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। फिर एमवीए एक ऐसे इंसान से मिले जो उन्हें अंदर ले गया। ऑफिस के एम्प्लॉय प्रतीक एमवीए से मिलकर बोले कि हम आपको ही ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? तो एमवीए ने बताया, मैं आप ही की ऑफिस के बाहर था पर मुझे कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। एमवीए इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन देने गए थे और वहाँ उनको बहुत तारीफ मिली, लेकिन उनका इंडियाज गॉट टैलेंट का सफर ज्यादा आगे नहीं जा सका। क्या रैप किया है यार, फंटास्टिक, ये तो हिट गाना हो गया। अरे वाह, योर वे माय वे, एमवीए, क्या बात है, और बनटाई बहुत मजा आया, लव योर स्टेज प्रेजेंस यार, आपका रैप, आपके लिरिक्स बहुत मजा आया। थिंक हमारे ऑडियंस देखो यार पागल। बात करें उनके रफ्तार के साथ कोल्ड वॉर की तो वो रफ्तार के एक इंटरव्यू से शुरू हुआ। इस इंटरव्यू की वजह से रफ्तार के खिलाफ एमवीए ने एक सॉन्ग निकाला जिसका टाइटल था समझ में आया क्या। इस सॉन्ग के बाद रफ्तार ने भी इसका रिप्लाई दिया। उस रैप सॉन्ग का टाइटल था शेख चिली। सुना बे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ, तेरे कोट सोच पे देने आया ज्ञान हूँ, वीडियो में हेलीकॉप्टर छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा कि मामला पानू, रा खाना खिलाया ना, स्टूडियो किराया भरा था ना, मुझे तूने शो पे गवाया ना। इसके अलावा उन्होंने खत्म डिस्ट्रैक भी रफ्तार के अगेंस्ट ही बनाया था। इन सब वीडियोज ने एमवीए को यूट्यूब ही नहीं पूरी सोशल मीडिया पर फेमस कर दिया। और आज टाइम वो है कि इंडिया में रैपिंग को पहचान देने वाले योयो हनी सिंह ने भी एमवीए की तारीफ करते हुए उनको अपना फेवरेट बताया।
एमीवे अब यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। एमीवे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, इसलिए कोई अगर उनका कोई सॉन्ग अपने वीडियो में यूज़ भी करता है तो वो कभी क्लेम नहीं देते। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइव स्टोरी एमीवे बंटाई की, जो भारत में रैपिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अंदर छुपा है जो उसको निकाल, तू ही जानेगा तेरा अगला चाल। कब तक जवाब देगा सबके सवालों का, गलती करेगा तो खुला हलाल होगा। मेहनत हारूंगी जिंदगी कमा लूंगा, मेरी फिक्र ना कर हाँ मैं कमा लूंगा। इज्जत है पैसे से ऊपर बुलाऊंगा, मालिक की नजर है सब कुछ कमा लूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें।